जी हाँ दोस्तों, इस वर्ष होली पर 30 सालों बाद कुछ ऐसे ग्रह सहयोग बन रहे हैं और साथ ही भद्रा का सहयोग भी बन रहा है। पूरे दिन भद्रा रहने वाली है, तो आपको किस समय होली का दहन करना चाहिए, किस समय आप होली की पूजा कर उसका दहन करेंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे होली का दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भद्रा कब तक रहेगी, चंद्र ग्रहण कब तक रहेगा और साथ ही क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है जिस पर आप अगर होली का दहन करते हैं तो आपके जीवन की समस्याएं कम होंगी, आने वाली जीवन की समस्याएं भी दूर होती हुई नजर आएगी। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी YouTube वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश YouTube चैनल। अगर ग्रहों के अद्भुत संयोगों की बात करी जाए तो सबसे पहले तीन ग्रहों का योग रहेगा कुंभ राशि में, मंगल, शनि और शुक्र। ये तीन ग्रह होली के दिन कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और साथ ही मीन राशि की अगर बात करी जाए तो सूर्यदेव, बुधदेव और साथ ही राहुदेव, ये तीनों ग्रह मीन राशि में विराजमान रहेंगे। ये बहुत जबरदस्त अद्भुत सहयोग है। और मेष राशि में बृहस्पति देव, कन्या राशि में केतु और चंद्रदेव सिंह राशि में विराजमान रहकर इस होली के दिन शुभ और अशुभ घटनाओं को अंजाम देंगे। यहाँ पर ये ग्रह स्थितियां रहने वाली है जो 30 सालों बाद निर्मित रह रही है। यहाँ पर मैं भद्रा संयोग के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि भद्रा कब रहने वाली है, भद्रा का क्या स्थिति रहने वाली है। यहाँ पर अगर भद्रा की बात की जाए तो भद्रा जो है वो सुबह 9 बजे लगेगी और रात को 11:15 बजे तक भद्रा का प्रभाव रहेगा। भद्रा के टाइम पर कोई भी शुभ कार्य करना निषेध रहता है। भद्रा के टाइम पर अगर आप होली का दहन करते तो वह अशुभ घटनाओं को अंजाम देने वाला होता है। यानी कि इस वर्ष होली पर आप जो है 11:15 बजे के बाद जो है होली का दहन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो रात 11:15 बजे बाद। और यहाँ पर अगर चंद्र ग्रहण की बात करी जाए तो 25 मार्च को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और यहाँ पर 25 मार्च को चंद्र ग्रहण अगर लग रहा है तो 24 मार्च को होलिका दहन के समय इसका कोई भी प्रभाव नहीं रहने वाला है। और चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में नहीं दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जो चीज दिख नहीं रही है तो उसका प्रभाव भी हम नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं दिखने के कारण प्रभाव भी शून्य की ओर रहेगा। वही अगर बात की जाए शुभ मुहूर्त की कि क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है होलिका दहन के लिए, तो रात 11:15 से लेकर आप जो है रात को 12:30 बजे तक 1 से 1.5 घंटे का ये समय आपके लिए रहेगा। 11:15 से लेकर 12:27 तक आप होली का दहन कर सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इस शुभ मुहूर्त, इस 1.5 घंटे के शुभ मुहूर्त में अगर आप होली का दहन करेंगे तो वो सुख समृद्धि लेकर आने वाला रहेगा। पूरे भारत वर्ष के लिए सुख समृद्धि इस शुभ मुहूर्त में रहने वाली है। यहाँ पर ये मुहूर्त का और चूड़िया काल, साथ ही यहाँ पर मैंने आपको भद्रा का समय और चंद्र ग्रहण का समय, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एक चीज का विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि अगर आप होली का दहन की पूजा कर रहे हैं तो यहां पर एक मंत्र मैं आपको यहां पर स्क्रीन पर बता देता हूं। उस मंत्र का अगर आप जप करते हुए होली का दहन की पूजा करेंगे या फिर होली का दहन करेंगे तो आपके जीवन की जो समस्या है वो कम होगी। ये आप मंत्र आप जप करके अगर आप होली का दहन करते तो यह भारत वर्ष में भी सुख समृद्धि लाने वाला रहेगा। और विशेष तौर पर एक चीज कहना चाहूंगा कि होली का दहन करते समय आपको पूर्व या उत्तर मुखी होकर बैठना है। ये करने से भी आपके जीवन की समस्या कम होगी और लोगों के लिए होली का दहन का जो समय है वो सुख समृद्धिदायक रहने वाला होगा। यहाँ पर ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई कि होली का दहन के समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही क्या मंत्र आपको जप करने चाहिए। यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप राशि अनुसार कुछ उपाय अपने होली के दिन करना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए पिछली वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देखिए, आपको कहीं ना कहीं उसमें भी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्णा।